जो भी हमारे व्यूअर्स हैं ना, जिनको भी निफ्टी बैंक निफ्टी के एकदम चस्का लगा हुआ है एंड उनको आदत हो गई है कि बस उसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है, एंड ट्रेडिंग भी इसलिए करते हैं क्यों, क्योंकि उसमें प्रीमियम कम लगता है या फिर मार्जिन कम लगता है एंड उसमें आप इजिली ट्रेड कर पाते हो, तो उन लोगों के लिए ना एक अल्टरनेटिव मैं बताना चाहता हूँ, सो दैट एटलीस्ट आपका कैपिटल बर्न आउट ना हो एंड इम्पैक्ट भी होना तो बहुत छोटा सा इम्पैक्ट हो जिसमें बहुत ज़्यादा आपको फर्क ना पड़े। ये प्रोडक्ट है USD INR, ठीक है। इसके फ्यूचर्स इंडिया में ट्रेड होते हैं, सारी डिटेल मैं बताने की कोशिश करूंगा। 2,000 रुपए के मार्जिन में एक लॉट ट्रेड हो सकता है इसका, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप सोचो कि कोई बहुत बड़ा दिक्कत की बात नहीं है, 2,000 रुपए तो आप ऑप्शन में डेली ऐसे ही हवा में उड़ा रहे हो, राइट। तो एक बार इसको भी ट्राई करके देख लो, क्या पता आपको आदत लग जाए एंड आपका कैपिटल एटलीस्ट बचने लगे, ठीक है। तो आप चलते हैं इसके डिटेल्स पे। पहले डिटेल तो ये कि देखिए होता क्या है, ये $1,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो 74.66 अभी फ्यूचर में वैल्यू चल रही है, मतलब 75,000 के आसपास ही कॉन्ट्रैक्ट है। इसको अगर आप बाई करने की सोचते हो, तो अगर ओवरनाइट रखने की सोचते हो तो देखो आप 1924 रुपये, ठीक है। रुको छोटा कर देता हूँ अपना स्क्रीन। हाँ, तो आप अगर एक लॉट बाई करने की सोचते हो तो 1924 रुपये लग रहा है, दो लॉट इसको कर देते हो तो वही 3800 रुपये लग रहा है। अगर इसको 5 लॉट भी करते हो आप तो आपको 9,000 रुपये, मतलब 10,000 के नीचे आप इसका 5 लॉट ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। हम एक लॉट की बात करें, और इंट्राडे में जो अभी 75% चल रहा है, बात करके फायदा नहीं है, वो ऐसे भी बंद हो जाने वाला है, राइट। तो 2,000 रुपये में आप एक लॉट इसका फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। अब इसकी एक्सपायरी कैसे होती है, मंथ के सेकेंड सेकेंड लास्ट वर्किंग डे पे, ठीक है। मान लीजिए हम अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या बोलते हैं, मंथ के लास्ट थर्सडे को, राइट। इसमें वैसा नहीं है, सेकेंड लास्ट वर्किंग डे। सो मान लीजिए अगर आपका 31st वेडनेसडे है तो आपका ये मंडे एक्सपायर होगा, रेदर देन अगर हमारा वही इक्विटी ऑप्शंस होता तो वो थर्सडे, मतलब उसके पहले वाले वीक में ही एक्सपायर हो जाता, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, नॉर्मल बाई सेल ये सबको आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसको ट्रेड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है, जिसको बोलते हैं डॉलर इंडेक्स, ठीक है। डॉलर इंडेक्स और इसके संग क्या रिलेशन, अभी समझा देता हूँ। देखिए डॉलर इंडेक्स आपका आज स्ट्रांग हुआ है, राइट। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होना मतलब डॉलर के अगेंस्ट जितनी करेंसीज हैं, वो कुछ 7-8 करेंसीज हैं जो डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट उसको ट्रेड करा के दिखाई जाती हैं, वो 7-8 करेंसी के अगेंस्ट आज डॉलर कितना स्ट्रांग था। तो डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग चल रहा होगा तो USD INR फ्यूचर में ऊपर भाग गया, डॉलर इंडेक्स अगर वीक चल रहा होगा तो रुपी का वैल्यू और अप्रिशिएट करेगा। अप्रिशिएट करना मतलब 74.6 चल रहा है वो नीचे आएगा, एंड डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग रहेगा तो वो जो जिस लेवल पे चल रहा है उससे और ऊपर जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट के संग एकदम डायरेक्ट कोरिलेशन है फ्यूचर के वाइज देखेंगे तो। अगर इंडियन इकोनॉमी वाइज देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स अगर स्ट्रांग होता है तो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करती है, बट वहां डिप्रिशिएट करना मतलब USD INR ऊपर बढ़ना, ठीक है। तो अगर उसको सिंप्लीफाइड वे में रखें तो USD INR बढ़ेगा अगर डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है तो, ठीक है। हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट होना मतलब USD INR फ्यूचर का वैल्यू बढ़ना, ये ध्यान रखिएगा, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड डॉलर इंडेक्स अगर वीक हो रहा है, मतलब डॉलर इंडेक्स ये जो ग्रीन अभी दिखा रहा है इसके बदले अगर ये रेड दिखाएगा तो इसका मतलब ये है डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है। इंडेक्स वीक हो रहा है मतलब ये इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि हमारा करेंसी अप्रिशिएट करेगा। ये हो गया। अब अगर बात करें कि आपको प्रॉफिट कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे अभी जो भी रेट चल रहा है 74.66 चल रहा है, अगर आप 74.66 से बाई करते हैं एंड आप 10 पैसे ऊपर जैसे ही करते हो 51 रुपये का प्रॉफिट होता है एक लॉट में। अगर 10 पैसे भी ऊपर या फिर नीचे, मतलब अगर आपने सेल किया है तो 10 पैसे नीचे, और अगर आपने बाई किया है तो 10 पैसे ऊपर, अगर आप ट्रेड ले पाते हो तो 50 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट हो जाता है। एंड अगर इसको आप क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो 5 क्वांटिटी है, ठीक है, तो ब्रोकरेज तो आपको जीरोधा में लॉट के हिसाब से नहीं लगता, ट्रेड के हिसाब से लगता है, या फिर जो भी ब्रोकर के पास जाओगे मैक्सिमम में आज के डेट में यही फीचर हो गया, लॉट के हिसाब से नहीं, वो ट्रेड के हिसाब से लेते हैं। तो अगर एक ट्रेड में 5 क्वांटिटी है मान लो और 10 पैसे ऊपर आप बेच रहे हो तो आपका कितना आया, 450 रुपये आया, 10,000 मार्जिन में 450 रुपये प्रॉफिट आया। 10 पैसा का मूवमेंट डेली होता है, मिनिमम होता ही होता है, किसी भी डायरेक्शन में पकड़ लो। अब मान लो आपको आपने ट्रेड लिया, आपका ट्रेड गलत लग रहा है आपको, आप इसको मान लो 64 पे भी काट देते हो, तो 64 पे भी काटते हो तो 150 रुपये ही जाते हैं ऑप्शन में, तो 150 रुपये आपके मजाक मजाक में ऐसे ही आंख बंद करते चले जाते हैं, राइट। निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ तो आपका कम से कम स्टेबल रह रहा है। मान लो आप इसको 71 करते हो, 5 पैसे ऊपर भी बेचते हो, 5 क्वांटिटी है, 200 रुपये आ रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। 5 क्वांटिटी अगर आप 1 पैसे भी ऊपर बेचते हो ना तो आपका 6 रुपया ही लॉस है, तो 1 पैसा का तो मूवमेंट होगा ही, कि उससे मतलब उससे भी कम मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हो, तो 1 पैसा का मूवमेंट भी होता है तो एटलीस्ट आप अपना कॉस्ट रिकवर कर लेते हो।
एंड दो पैसा का मूवमेंट जाते ही सॉरी इसको 68 हाँ दो पैसा का मूवमेंट जाते ही आप प्रॉफिट में आ जाते हो। तो इसके लिए ये मेरे हिसाब से उन लोगों को जिनको ट्रेडिंग की आदत लग चुकी है, ट्रेडिंग वो संभाल नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि दो पैसे ऊपर एटलीस्ट चला ही जाएगा, दो पैसे ऊपर जाएगा 43 रुपीज़ का लॉस, अगर मान लो 5 पैसे या नीचे ही चला गया, ठीक है, तो 5 पैसे नीचे चला गया तो 300 रुपये का लॉस हुआ, लॉस लो यार घर जाओ। लेकिन ये जो हमारे ऑप्शन है सीधा जीरो हो जाता है ना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। तो एक बार इसको भी आप लोग ट्राई करके देखो, 2000-3000 रुपये पर लॉट, 2000 रुपये में पर लॉट ट्रेडिंग हो जाती है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। वापस से दिखा देता हूँ भाई, लोग बोलेंगे सर आप ऐसे बताते हो, 2000 रुपये देखो एक्चुअली 2000 रुपये लगता है, ठीक है, 1924 रुपये लग रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी अगर सेप्टेम्बर के बाद भी मार्जिन रूल्स के हिसाब से वो 1900 रुपये ही लगना है, तो बहुत कम प्राइस में हो जाता है। जिनको ट्रेडिंग की आदत लग चुकी है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, तो इसको भी एक बार ट्राई करके आप लोग देखिए। हो सकता है क्या पता बाद में आप बोलो कि हाँ सर अच्छा किया आपने, हमारे ऑप्शन से हटा दिया थोड़ा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल डिके होने का चांसेस रहता था। ठीक है, चलिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं।